व्हाट्सअप गैंग, मेरा नाम है आकाश सातपुते और आज आप देख रहे हैं क्विक फायर शो विद डॉन वाईजी। काम चालू है एल्बम पे, पैसे गिनने में। लाइक मैंने आपका एक 3 महीने पहले ट्रैक देखा, ए गरीब। तो लाइक वो ट्रैक इतना बूम हुआ, इतना पब्लिक को पसंद आया, एंड देन बहुत बड़े बड़े रील स्टार ने उस पर रील्स व्यूज निकाला। तो ऐसा गाना निकालने का आपके दिमाग में कैसा आया डॉन? तो पसंद से ज़्यादा तो मेरे को लगता है उस पर मीम बना, मतलब लोग को फिर भी अब तक मेरा म्यूजिक नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो मैंने क्लियर रखने का ट्राई किया तो लोग को समझा नहीं, फिर न्यू स्कूल करने का ट्राई किया मंबल, वो भी लोग को समझा नहीं, फिर मैंने ये बेसिक से बेसिक रखा थोड़ा अलग, मतलब के न्यू कूप रारी, लोगों ने उसका भी मजाक बना दिया। तो अब क्या मालूम, अब मैं लोग के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, अब मैं पूरा क्रेजी शिट कर रही हूँ कि लोग को समझेगा ही नहीं, मतलब ऐसा शिट है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ बीट के, लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाले। लाइक अपकमिंग ट्रैक, हाँ। देन मैंने ये भी देखा था आपके वीडियो में कि पब्लिक इस पे भी ट्रोल कर रही थी, ये गरीब ने जो अपने 20 का नोट नीचे डाला है, पब्लिक ने बोला क्या है 20 का नोट डाला है, 500 का नोट डालना चाहिए था वगैरह, ऐसा मैंने पोस्ट भी वगैरह देखा था। तो इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हो? तो मेरे को लगता है ये बच्चे लोग को नहीं समझेगा, क्योंकि ये भाईगिरी वाला शेड है, लोग को नहीं समझेगा, मतलब दैट्स इट। ऐसा क्या बोलूँ मैं, मेरे हिसाब से मेरे को हमेशा कुछ अलग करने के, सब 500 दिखाते, 2000 दिखाते, तो 20 का किसने दिखा ही नहीं अब तक, एंड वो भाई गिरी रहते, वो नहीं समझेगा बच्चे लोग को। तो उतना ही। तो मुझे एक गरीब का जो लास्ट का जो आपका आउटरो का लाइन था, एक कॉल विषय कॉल तो ये ऐसा टाइप में आपको कैसा ऐसा लिखने का आपको दिमाग में आया कि ऐसा भी अपन नया वे लेके आ सकते हैं? वही बोला ना मैंने कि मतलब मैंने बेसिक करने का ट्राई किया, लोग को नहीं समझा, मंबल करने का ट्राई किया, लोग को नहीं समझा, तो ये रैंडमली दिमाग में आ गया कि एक फ्लो सोचते सोचते दिमाग में आ गया कि एक फ़ोन विषय खोल, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक वर्ड में कि एक फ़ोन करेगा तो विषय खोल वैसा। और आउट्रो में जो उस पर भी बहुत ज़्यादा अब पे आपको चिढ़ाया गया था, कौन सा? लाइक सक माई डेक। हाँ तो हाँ। उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि पब्लिक के कमेंट भी बहुत आए थे कि लड़की क्यों ऐसा बोल रही है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे डॉन? तो हाँ, मेरे पास नहीं है सक माई डेक बोले तो, मतलब उसका मतलब वो नहीं है, सक माई डेक बोले तो तुम लोग मेरे को हेट करते हो, तो आके लाइक सक माई डेक तो उसका मतलब वो है। तो अगर बाहर देखने जाए तो हर लड़की रैपर लोग भी बोलते ही है, बेसिकली तुम हिंदी में जो बोलते हो वो इंग्लिश में, दैट्स इट। तो ये लोग को नहीं समझ में आ रहे, लोग को बेसिकली रीज़न चाहिए मेरे को मजाक बनाने का वो सब, तो उसका वही है कि बेसिकली तुम मेरे को गाली दे रहे या मेरा मजाक बना रहे तो सक माई डेक वैसा, जैसे मार या ये वो वैसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनली डॉन वाईजी को आके मिलो, कैसी लड़की हो जानो, और मेरे को तो डॉन वाईजी का पर्सनल पे मैं जब भी मैं बात करता हूँ वाईजी से, तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एक रैपर से बात कर रहा हूँ, लाइक समझ रहे हो? तो क्या लगता है? तो डॉन से बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं आई एम नॉट दैट वो रेगुलर रैपर, मतलब कि हाँ भाई गाना रेडी हो गया, स्टूडियो जाओ, 2 घंटा बुक करो, वीडियो शूट कर लो, नहीं, अपना कॉन्टैक्ट है, मतलब अगर मैं नाम मेरा डॉन वाईजी रख रही हूँ तो है वैसा कुछ, मतलब मैं तुम लोग की वही रेगुलर रैपर नहीं हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन डॉन, मैंने आपका ऑफ ट्रिपा देखा, मुमरा देखा, और रिसेंटली ट्राई किया ये गरीब देखा, तो तीनों में मस्त VFX की है, अच्छा वीडियो प्रोडक्शन किया है, और लाइक आपने भी जो एक्ट किया है वो बहुत अच्छा एक्ट किया है आपने, तो लाइक मार्केट में वो लग रहा है कि आपका देख के भी कौन ना कौन कॉपी कर रहा है गाना का? ये मेरे को बहुत टाइम से लग रहा है, मतलब जब से मेरा VFX करना स्टार्ट हुआ, मतलब उसके पहले कोई नहीं कर रहा था, मतलब बेसिक शेट, मतलब ग्रीन स्क्रीन, उसको VFX नहीं बोलती हूँ मैं, बट जब से मैंने मुमरा में VFX करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई अभी नेक्स्ट लेवल वीडियो स्टार्ट करना है,
तब से हर एक बच्चे लोग एंड मतलब नाम नहीं लेने गए मेरे को, बट वो सब रैपर लोग का भी स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई VFX, उसमें से एक ने तो मेरा वीडियोग्राफर ही ले लिया, तो VFX तो जाने ही दो, साथ में वो भी हो गया इंक्लूड। तो ये सीन है, मतलब सब लोग, मतलब सबको वही करने गए। मेरा जो मैं करूँगी, मतलब उसको क्रेडिट तो मिलेगा नहीं बराबर, बट कॉपी हो रहा है मतलब क्लियरली। ओके, तो लाइक आप आपके वीडियो में महंगे महंगे कार्स लेके आते हो, तो उसका क्या सीन है डॉन? लाइक वो आपका है या आप रेंट करते हो? मेरा ही है। आपका ही है? मेरा ही है। खतरनाक पब्लिक बोला मैंने, लाइक अब नाम डॉन है तो मेरा काम भी वैसे ही है। मतलब मैंने बोला कि मैं कोई तुम लोग की वैसे रेगुलर रैपर नहीं हूँ कि समझ रहे हो कि आया रिकॉर्ड किया शूट किया, ऐसा नहीं है मेरा काम। मतलब जो वीडियो में दिख रहा है वो मेरा हर रोज़ का डेली हो वैसे ही है। मतलब ऐसा फेक शिट नहीं है कि हाँ शूट है गाड़ी रेंट पे लो एंड वैसा, मतलब वो मेरा रियलिटी है। थर्ड क्वेश्चन डॉन, लाइक आपके अपकमिंग ट्रैक के बारे में बताइए। गरीब तो मार्केट में मचा दिया, मार्केट खा लिया, लाइक वीडियो व्यूज, देन आपका कैरेक्टर, हेयर स्टाइल, ज्वेलरीज, तो अपकमिंग ट्रैक में ये सब चीज देखने मिलने वाले कि इससे कुछ ज़्यादा दिखने मिलने वाले हैं? तो अभी देखो मैंने ओल्ड स्कूल नहीं न्यू स्कूल कर दिया, मंबल भी कर दिया, ड्रिल भी कर दिया। अभी बहुत कुछ चीज़ था जो मेरे को करना था, बट बच्चे लोग ने कर दिया वो, तो मेरे को कॉपी वाला टैग नहीं चाहिए। नसीब के एक है जो मैंने रेडी कर दिए, उस वो किसने किया नहीं अब तक इंडिया में, ना ही किसी ने सोचा है अब तक। तो वो मेरा वीडियो आने वाला है 2 हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर, 2-4 दिन। तो वो तुम लोग देखेंगे तो तुम लोगों को समझेगा, शायद तुमको ना भी समझे, बट उसका पॉइंट वही है कि तुम ना समझो, क्योंकि समझने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि लोग समझे लोग के हिसाब से, बट अब ऐसा ट्रैक है कि तुमको समझेगा ही नहीं। ओके, तो लाइक एक हिंट दे दीजिए हमारे ऑडियंस को कि लाइक आप ये वे में कुछ तो लेके आ रहे हैं मार्केट, एक तो हिंट बनता है आपसे डॉन। अनरिलीज? यस शिट ब्रो, अनरिलीज। एक हिंट दो खाली, लाइक गाना भी मत सुनो, चलो पब्लिक आई पब्लिक समझ जाएगी। लाइक एक हिंट बताओ पब्लिक को कि ऑडियंस को कि क्या आने वाला है अपकमिंग। तो हाँ, बट मैं स्पीकर पे सुनाऊंगी क्योंकि मजा नहीं आएगा नॉर्मल सुनने। जो 4-5 दिन में आउट होने वाला है, राइट? तो लाइक ये गाने का नाम आप रिवील करना चाहते हो क्या? अभी नहीं। तो ये गाने में आपने लाइक क्या सोच के ऐसे गाना बनाया कि लाइक आपने अभी जस्ट बोला कि पब्लिक को समझ में नहीं आना चाहिए वो गाना, तो आपने क्या सोच के ऐसा बनाया इस ट्रैक? मैं नाम बता देती हूँ क्योंकि ट्रैक के मतलब नाम के रिलेटेड ट्रैक का वो है जो तुम पूछे मेरे को। तो ट्रैक का नाम है 2070, ठीक है? 2070, हाँ, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो ये ट्रैक पूरा फ्यूचरिस्टिक ट्रैक है। तो ये ऐसा ट्रैक है कि तुम्हारे बच्चे के बच्चे को शायद समझे वो टाइम पे, तो इसके लिए 2070 क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, मतलब अभी के ज़माने में किसको समझने नहीं वाले, इसीलिए तो 2070। देख रहे हो, सीखो कुछ तो, अपने बच्चे के बच्चे सुनेंगे और उनको समझेगा। गलती से आजकल किसको समझ में आ गया तो सही है, किसको समझे ना समझे पर मुझे तो समझ में आएगा, अब मैं फैन हूँ प्लीज। राइट, थर्ड क्वेश्चन डॉन, लाइक मैंने आपका लाइक अभी मैंने आपका इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करता हूँ, आपका आईडी प्राइवेट है। हाँ, ओपन है अभी। जो मार्केट में किसी ने नहीं किया है तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब डॉन YG। लाइक मैंने आपका अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी देखा आपका कि आपने किसका तो नंबर लीक किया था और नंबर का जब नाम था उस पर आपने ड्रॉइंग किया था ग्रीन कलर का, आपका हेयर भी ग्रीन है देख रहा हूं मैं, नोटिस किया लाइक डॉन मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा तो आपने किसका तो स्टोरी पे किसका तो नंबर डाला था, तो क्या था लाइक मतलब पब्लिक ने भी बहुत क्वेश्चन मुझे मैसेज किया पर्सनली क्योंकि आपका अपडेट ज्यादा मैं डालता हूँ, तो पब्लिक ने मेरे को ही पूछा था पर मैंने कुछ जवाब नहीं दे पाया क्योंकि लाइक मेरे को कुछ पता ही नहीं था, तो आप बता सकते कि लाइक वो किसका नंबर था
तो मेरे को बहुत लोग ने पूछा किसका नंबर है, मतलब मेरे को बताना नहीं था क्योंकि थोड़ा पर्सनल हो गया था वो सीन, बट बता देती हूँ मैं क्योंकि ऑफ वाला सीन है ऑलरेडी, जो मेरा ऑफ है तो उसके कुछ कनेक्शन है मतलब। तो इक्का की वाइफ का मेरा बातचीत चालू था, ठीक है, तो मतलब हम लोग थोड़ा क्लोज हो गए 4-5 महीना से, 1 साल के अंदर से बात कर रहे थे, तो मेरे को सब बताती थी कि भाई इक्का शूट पे आ रहे तो बाहर उन लोग का क्या रेफरेंस है, बाहर का सब YG 400 ये वो। तो मेरे को सही नहीं लगता था कि मतलब मेरे को ये रिवील नहीं करना था, बट उन लोग कॉपी करते हैं, मतलब मेरा वो पॉइंट है, तुम्हारा स्टाइल, मेरा स्टाइल एंड मेरा वीडियोग्राफर को लिया उसने उन लोग ने शूट करने को नुस्ता भाई वाला, तो वो सब सीन, तो ये सब की वजह से मतलब मैंने रिवील किया नंबर। बाकी उसका अनरिलीज आता था मेरे पास, क्या नाम था गाने का, उर्वशी, जो एमसी स्टैन का रिसेंटली ट्रैक आया है, और आप ये कहना चाहते हो वो इक्का की वाइफ ने आपको पहले ही भेज दिया था, राइट? ओके, तो ये सब मेरे को भेजा था उसने। बाकी और भी अनरिलीज है उन लोग का, इक्का के एल्बम का गाना एंड सब, तो मेरे को वो सब नहीं करना था, मेरे को लगा कि बच्चे लोग कर रहे करने दो मेरे को, इसके लिए मैंने अब तक वो सब लीक नहीं किया जबकि मैं कर सकती हूँ, बट ये सब शिट मैंने छोड़ दिया स्निच विच। सबको लगता है कि मैं स्निच हूँ खाली अनरिली, मतलब ये लीक वीक कर दूँ नंबर ये वो, बट नहीं, सबके पीछे रीज़न रहते हैं। तुम अगर मेरे दिमाग की माँ छोड़ेंगे या गांड मारेंगे, तुम अगर मेरे को छूते गिनती में लेंगे कि भाई इसको तो यूज़ कर सकते ये वो पैसा वगैरह, तो नहीं वैसा नहीं है, तब जब ओवर जाता है तब मैं लीक करती हूँ या जो भी होता है, तो ये रीज़न था मतलब। ओ बहुत बिल्ला सिंदर डॉन यार, मेरे को अब भी पता चला यार कि ऑडियंस अभी तुम लोग भी देख लो, तुम लोग मुझे पूछते थे डॉन ने कुछ मुझसे बता दिया है सब चीज़। बाकी इक्का को अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहिए, बहुत मारता है उसको। नेक्स्ट वर आपके ड्रीम के बारे में बताइए डॉन के, लाइक पब्लिक बहुत पूछती है कि डॉन वाई जी ज्वेलरीज असली पहनती है क्या, क्या सीन है क्या नहीं, क्या नकली पहनती है, क्या 1200 वाला घड़ी पहनती है, तो लाइक बहुत सारे पब्लिक को बहुत गलत फहमी है सब चीज़, और उन लोग मेरे हिसाब से कि उन लोग नहीं कर रहे तो बोलना भी नहीं चाहिए, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे डॉन? तो मेरा ज्वेलरी रियल नहीं है, बट मेरे पास रियल ज्वेलरी भी है। ओके, तो जब मैं पब्लिक में घूम रही हूँ शूट में, मैं रियल ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी चूतिया रहूँगी जो रियल ज्वेलरी पहनूंगी, कोई भी आके ले लेगा, लाइक मेरा वैसा नहीं है, मेरे को मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं ये सब में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, समझ रहे हो? तो बाकी ऐसा मत समझो पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट रियल ज्वेलरी मैं तब पहनती हूँ जब ज़रूरत है, बाकी रेगुलरली मैं नहीं पहनती हूँ रियल ज्वेलरी। ओके, तो लाइक आपका ड्रेप के बारे में थोड़ा पब्लिक को बता सकते हैं आप, लाइक आपका स्काफ कितने का है? और ये स्काफ है 75 बर्बरी, 75,000 ये लिया मैंने BKC जियो वर्ल्ड में, अभी नया खुला है तो वहाँ पे सब क्या बोलते हैं लग्जरी ब्रांड का स्टार्ट हुआ है, अंबानी भाई ने चालू किए तो वहाँ से लिया मैंने 1 हफ्ते पहले। अभी कल स्कार्फ पे आया हूँ, फिर अभी तुम जैकेट और पैंट और सॉक्स तो भूल ही जाओ, फिर अभी अभी बोल रहा तुम लोगों में लाइक जैकेट क्या प्राइस है जैकेट का? जैकेट है 1.25, ये ब्रांड है इसका रिकोवंस करके। ओके, तो ये मेरे को बाहर से मंगवाना पड़ा, तो 1.25 लाख। हाँ, पैंट भी रिकोवंस, ये मेरे को याद नहीं है, मेरे को किसी ने तो गिफ्ट किया, तो अराउंड वही सब, एंड सॉक्स भी गुची जियो वर्ल्ड। यस यार, जियो वर्ल्ड राइट। तो टोटली आप चलते फिरते कितने कैश आप कैरी करके चलते हो, राइट? उन लोगों को कैलकुलेट करने दो। Okay. अपन पैसा गिनने के लिए लोग रखते हैं, तो कैलकुलेट छोड़ दो, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, उन लोगों को कैलकुलेट करने दो। आपका लाइटर का क्या प्राइस है डॉन, जो आप लाइटर यूज कर रहे हो? ये तो 200 रुपए है। और वो रिंग डॉन? ये रिंग क्योंकि मैंने बोला ये मैं रियल नहीं पहनती जल्दी, तो ये फेक है, रियल नहीं है। एंड इंडिया में जितने भी रैपर लोग हैं कोई रियल नहीं पहनते, एंड जो बाहर के भी रैपर लोग हैं कोई रियल नहीं पहनते। लाइक मैंने आपका लुक्स बहुत देखा हो डॉन, आप कभी रेड कलर डालते हो, आज आपने ग्रीन किया है, ग्रीन सॉक्स, ग्रीन बाल, तो लाइक आपको अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे को एक्सपेरिमेंट करने अच्छा लगता है, हर बार चेंज करने, तो हाँ, तो इस बार ऐसे ही कर लिया मैंने, अभी आई होप इसको भी कॉपी ना बोले बिली आइलिश को, क्योंकि उसने भी किया ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन किया मैंने कर दिया, बस रैंडमली ऐसी। अभी थोड़ा मैं दूसरे जॉनरा में घुस रही हूँ, तो
मेरा माइंडसेट थोड़ा उसमें घुस रहा है तो उसमें ये सब चलते हैं, तो इसीलिए आप हेयर कलर करो या ना करो पर मेरे लिए आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, दैट्स इट। यस, देन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आंसर दिया कि लाइक आपका अपकमिंग एल्बम्स वगैरह आ रहा है, तो आपका एल्बम के बारे में कुछ बताइए कि कभी ड्रॉप हो सकता है या कभी कितने फीचर इन ट्रैक्स है उसमें डॉन, ये आप मुझे बताइए। एल्बम में एक भी कोलैब नहीं है, तो क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं इंडिया से कोई भी, कोई मेरा वाइब मैच नहीं कर पा रहे, बस इतना ही जानो फिलहाल कि कुछ नहीं, कोई भी नहीं है एल्बम में। एल्बम का नाम वगैरह या नहीं? नहीं, बस इतना है कि एक दो महीने के अंदर आ रहे, एक दो महीने के अंदर एल्बम आ जाएगा। हाँ, एक महीने के अंदर आ जाएगा एल्बम। डॉन वाई जी के जितने भी फैंस लोग हैं बंटा, ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अगर किसी को लगता रहेगा कि लाइक एल्बम खाने का काम है, कि क्योंकि आजकल के बच्चे लोग सबको एल्बम करने गए, लोका विजय डी के टेनेक्स विजय इक्का, तो ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगते हैं उन लोग, तो विजय डी के तो एल्बम बोल के छः गाना डाल दिया, ऐसा नहीं होते। बाकी तुम्हारा एल्बम है, तुम एक गाना भी डालो, बट एल्बम मतलब है, मेहनत है, मेरे को नहीं लगा मेहनत, बट खाने का काम नहीं एल्बम डालना, तो वो आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है एल्बम। बाकी आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है इंडिया में सर, जिसके साथ आप चाहते हो कि कोलैब करो, राइट, कोई सा बताइए आप। कोई भी नहीं ऐसा, right? कोई है नहीं मतलब फिलहाल तो, बाकी जो थे उनको सबको डिस कर दिया मैंने, तो कुछ वहाँ पे कोलैब नहीं होने वाले। ओके, तो कोई नहीं। आप लाइक किसको सुनता है आप इंडिया में से, बारगांव में से नहीं, इंडिया में से आप किसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हो? कोई भी नहीं। बाकी पब्लिक ऐसा आपको ट्रोल करते रहते हैं कि लाइक बीड़ी वगैरह डॉन वाई जी पीती है, एक रुपए की बीड़ी, मेजर की सीडी, तो उसके ऊपर पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया आपको, लाइक बीड़ी के ऊपर भी, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे डॉन? तो बीड़ी का सीन ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया मतलब पद्धति वाले ट्रैक से, तो तब से मेरे को ऑब्वियसली बेसिक शिट नहीं पसंद है, जैसे मैंने बोला मैं कोई रेगुलर रैपर नहीं हूँ, तो मैंने देखा कोई बीड़ी वीडी मतलब ये स्ट्रीट टॉक है, मतलब तुमको स्ट्रीट टॉक भी करने गए बट वो सब तुमको क्रिंज भी लगता है, तो ऐसा नहीं है मतलब मेरे को एक्चुअली मैं पीती थी तो मैं दिखाती थी क्योंकि मैं स्ट्रीट बात कर रही हूँ तो वो भी एक स्ट्रीट का पार्ट है, तो हाँ, तो इसके लिए बीड़ी पीती थी तो दिखाती थी, अभी फिलहाल मैं बड़ा लाइट पर आ गई हूँ तो बड़ा लाइट दिखाती हूँ। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था आपका ड्रिल डांस, बहुत पब्लिक को पसंद आया था, पर्सनली मेरे को भी बहुत पसंद आया था जो आप स्टेप कर रहे थे। हाँ। तो लाइक ये आ जाता है अंदर से आप करते हो डांस, करना आपको अच्छा लगता है? तो ये सब ड्रिल का ही पार्ट है। ओके। मतलब अभी बाहर के लोग मतलब करते यूके रैप में वगैरह ड्रिल गाने पे, तो अभी अपन तो मुंबई में रहते हैं, धारावी कुर्ला तो मुमरा, तो मैंने मराठी गाना बजा दिया एंड उस पर कर दिया, तो उसमें खुद से निकल गया। ट्रोल करते डॉन वाई जी नकली नोट दिखाती है, बीस का नोट भी बीच में आपका जो रिसेंटली वीडियो आया था गरीब में भी बहुत सारे पब्लिक ने ट्रोल किया था, क्या बीस का नोट उड़ा रहा है, 500 का नोट उड़ा, या तू कॉपी कर रही है स्टैंड का, लाइक तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो पहली बात तो शायद मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया है, भाईगिरी वाला सीन है वो, बट ये जो कॉपी स्टैन को वाला है ना, ये तो सॉरी मैं अब से उसका नाम लूँगी नहीं, मतलब अभी एक्सप्लेन करने को। पहली बात तो यूट्यूब पे जब गाना क्लिक करेंगे नीचे डेट आता है, तो जाके पहले देख लो किसने पहले पैसा दिखाया, क्योंकि अगर वो बहुत पहले से पैसा कर रहा है तो दिखाया रहेगा ना कहीं, तो जो नहीं दिखाया है वो सब मैंने स्टार्ट किया है, कोई बच्चे लोग ने अब तक दिखाया नहीं एक्सेप्ट सिद्धू मूसेवाला लाइक, बट उनके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, इंडिया की इधर मुंबई के बारे में बात कर रहे। तो कॉपी क्या मालूम कौन किसका कॉपी कर रहा है, क्योंकि मैं तो किसका कॉपी नहीं कर रही हूँ, मेरे बात किसी और ने किया, थोड़ा उन लोग को आँख खोल के देखना चाहिए कि कौन कॉपी कर रहे हैं कौन नहीं। Yes, कॉपी मत करो, खुद का कंटेंट क्रिएट करो जैसे डॉन वाई जी का। वही सिट ब्रो, पैसा कॉपी, वीएफएक्स कॉपी, ड्रिल कॉपी सब। ओके, लेबल्स, तो आप लेबल्स में जाना चाहते हो या लेबल आपको अप्रोच करना चाहता है, लाइक आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो डॉन? आपको अगर कोई मालूम है कोई लेबल जिसको मेरी जरूरत है कि मैं उनको हेल्प करूं तो बताओ मेरे को। नेक्स्ट वन डॉन, लेबल्स
मैंने आपका जितने भी वीडियोस देखे है वो सब इंडिपेंडेंटली, आपका ना कौन सा लेवल का आपका हाथ है ना कुछ भी सीन है, तो लाइक आप लेवल में जाना चाहते हो तो कौन से लेवल पे जाओगे, या आप नहीं जाना चाहते हो तो वो भी मुझे बता दीजिए। आपको वो लेबल मालूम है जिसको मेरी जरूरत है हेल्प करने की, तो मेरे को बताओ। तो आप मुझे बताइए कि लाइक कौन से लेबल में आप जाना चाहते हो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो आप। मेरे को नहीं लगता है मेरे को लेबल की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे लोग कर रहे हैं लेबल के साथ, वो मैं बिना लेबल के ऑलरेडी पहले ट्रैक से ही कर रही हूँ। लाइक तीन गाने में ही मेबैक आ गया मुमरा में, तो वो तो अब तक इन लोगों का लेबल के साथ भी नहीं हो पा रहे, तो मेरे को नहीं लगता है मेरे को लेबल की ज़रूरत है। लाइक मेबैक आपने बोला था गाने में, पब्लिक भी वो ऐसा बीच में भी ट्रोल होता कि डॉन वाई जी ऐसा लाइक भाड़े से गाड़ी लेके आती है ये वो। ज़रा दो मिनट सोचो कि मैंने क्या बोला। तीन गाना मार्केट खा डाला चबा के, ये दो मेरा गाना सुनो और दो मिनट सोचो मैंने क्या बोला, फिर जाके मेरे को कॉपी बोलो या जो बोलने बोलो, क्योंकि तुम लोग जिसको सुनते हैं जो तुम लोग को इतना बोलते हैं या बोलते हैं वो नहीं कर पाए अब तक। लाइक अभी मार्केट में बहुत सारे एल्बम्स है, सब लोग ने अच्छे अच्छे ट्रैक्स दिए डॉन, तो उसमें से आपको कौन सा पसंद है? लाइक आपको आपको पसंद है या आपको पसंद ही नहीं किसका एल्बम? मेरे को नहीं लगता है, मतलब मैंने बोला है कि एल्बम खाने वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है वो। तो जहाँ तक मैंने देखा है तो एक बंदे का देखा तो एल्बम बोल के 6 गाना डाला, तो ऐसा नहीं मतलब वो लोग को इतना हाइप में रखा कि एल्बम आ रहा है एल्बम आ रहा है एंड 6 गाना एल्बम में 6 गाना, तो मेरे को नहीं मज़ा आया एंड बस और कुछ नहीं। और बाकी मैं किसको सुनती नहीं हूँ, बाकी जो बच्चे लोग चल रहे मुंबई में उन लोग पर थोड़ा नज़र रखना पड़ता है, तो बस आपको तो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को नज़र रखना पड़ता है। तो लाइक आपने अभी 6 गाना बोला, तो रिसेंटली 6 गाना विजय डीके का आया है, विजय डीके का एल्बम 4-3-4 लाइफ, तो उसमें लाइक आपने कुछ गाना सुने विजय डीके का या नहीं सुना? लाइक वो एल्बम आपको कैसा लगा विजय डीके का जो रिसेंटली आया है उसका? नहीं मैंने सुना नहीं, खाली देखा 6 गाने बस। ओके बाकी सुन के थोड़ी ना माइंडसेट चेंज होने वाला, मालूम है टट्टी गाने है तो। डॉन आप खुद एक फीमेल आर्टिस्ट हो, तो लाइक मार्केट में रैपर्स फीमेल आर्टिस्ट बहुत है, तो आपको कौन पसंद है, लाइक आप सुनते हो, या आपका क्या रिव्यू है फीमेल आर्टिस्ट के ऊपर से जो लोग हिप हॉप कर रहे हैं? तो मेरे को लगता है कि मैं खुद से तो किसको सुनती हूँ नहीं, इंडिया में किसको नहीं सुनती हूँ, बट फीमेल आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं फीमेल रह के मेरे को मालूम है लगता है बहुत करने को, ऐसा नहीं लड़कों को नहीं लगता है, लगता है सबको मेहनत करना पड़ता है, बट सपोर्ट है फीमेल आर्टिस्ट लोग को। आपके लिए क्या रैप है, रैप का मतलब आपके लिए क्या है? सबका अलग है, अब मेरा तो अलग है, मेरे को स्ट्रीट बज के बट पैसा दिखाने को भी अच्छा लगता है, बट सबका अलग है, अब सबका सेम रहेगा तो सब लोग डॉन वाई तो नहीं बनते। आपको कौन सा ब्रांड पसंद है डॉन? ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड या कौन सा भी ब्रांड आपको क्या आप पसंद है ज़्यादा ब्रांड में? तो मेरे को पसंद है रिकोवन, ओके, गुची, कोई भी ब्रांड जो महंगे, मतलब जो भी ब्रांड जिसका प्राइस सबसे हाई है वो ब्रांड वो आपको पसंद है? हाँ, अब नाम लेके मेरे को उन लोग का प्रमोशन नहीं करते। डॉन देखा, सही है। लाइक के सेकंड थिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको इन फ्यूचर आया, लाइक कौन से भी स्पोर्ट्स ट्रैक बनाना है तो आप करना चाहते हो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या नहीं? लाइक अपना माइंड ऑफ थिंकिंग क्या है सब चीज़ों को लेके, कि एक आर्टिस्ट को कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहिए क्योंकि बिकॉज वो आर्टिस्ट है उसका भी घर चलना चाहिए कि नहीं? जिसको घर चलाने के वो एक्टर बन जाए, मतलब तुम रैपर हो तो रैप करो ना, एक्टिंग क्यों करने गए तुमको, रियलिटी शो में आके भी तुम एक्टिंग ही करते। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे को लगता है कि तुमको रैप करना है तो रैप ही करो, स्ट्रीट से ही बच के लाइक अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड के ऊपर भी आके तुम स्ट्रीट रह के भी कमा सकते हो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक रैपर लोग मालूम है बाहर के जो लेबल के थ्रू ये सब के थ्रू या बिना लेबल के भी इंडिया में रह के एमवे भी कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं कुछ, गाड़ी घर सब है उसके पास, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसा तुम भी कर सकते हो या उससे भी आगे तक बेहतर कर सकते हो तुमको करना है तो, बट ज़रूरी नहीं है कि तुमको हीरो हीरोइन बन के ही तुम सेलिब्रिटी बन गए। तो इसके इससे भी एक चीज़ याद आया कि इक्का ने बोला था एक पॉडकास्ट में कि कमर्श सबका इंडिया में माइंडसेट सबका ऐसा है कि कमर्शियल होना गलत है, या अगर तुमको रैपर अगर कमर्शियल हो गया तो गलत है वो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है भाई वो गलत है, क्योंकि
मैंने अभी बोला कमर्शियल बनना है तो तुम एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो या जो भी करना है वो सब करो, सीरियल वीरियल, बट रैप मत करो, क्योंकि स्ट्रीट से जो कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं हाँ भाई इसने कुछ किया है, बट तुम अगर ये सब के थ्रू जा रहे हसल विसल तो कुछ सेंस नहीं बनते हैं, मतलब तो मैं उनको गिनती में लेती नहीं हूँ, एनीवे नहीं लेती हूँ, बट तुम अगर इसमें घुस गए रियलिटी शो ये वो तो तुम गिनती में वो नहीं, फिर तुम एक्टर हो, तुम रैपर नहीं हो। आपको न्यू स्कूल हिप हॉप पसंद है या ओल्ड स्कूल हिप हॉप पसंद है आपको? मेरे को दोनों पसंद है। लाइक ओल्ड स्कूल में आपका सबसे फेवरेट ट्रैक YG 400 एंड टूपैक ऑब्वियसली के खड़े जो है तो, एंड सब ओल्ड स्कूल के जितने भी है सबको। एंड न्यू स्कूल? न्यू स्कूल में लिल कीड, लिल गॉट इट, ओके, और है बहुत। आपको न्यू स्कूल करना पसंद है या ओल्ड स्कूल करना पसंद है? तो अब तक तो ओल्ड स्कूल किया नहीं, बट मेरे एल्बम में ओल्ड स्कूल रहेगा ज़रूर एक, एंड करना पसंद तो मेरे को न्यू स्कूल है, क्योंकि न्यू स्कूल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ऑटो ट्यून वगैरह, ओल्ड स्कूल बहुत बेसिक लगता है मेरे को, बट वो भी एक वाइब है, बट न्यू स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें तुम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ऑटो ट्यून वगैरह। टेक्निकली ड्रिल भी न्यू स्कूल में आता है तो ड्रिल मम्बल ये सब मज़ा आते करने। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन ये मेरा कि जो आपका ए गरीब जो आपका गाना है ए गरीब, तो वो गाने का नाम आपने ए गरीब ही क्यों रखा? राइट, मेरा क्वेश्चन ये कि ए गरीब क्या है, लाइक आपने क्यों ऐसा दिमाग में आपने कुछ अलग, क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्रैक सुने पर ए गरीब ये मैंने कभी सुना नहीं था, वो जो आपका ट्रैक का नाम है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक तो इस पर सीन ऐसा था कि मेरे को अब जो भी मेरे को देखते या जो जेन्युइनली मेरे को सुनते हैं हेट नहीं करते उनको मालूम है कि मैं पैसा फ्लेक्स करती हूँ एंड दिखाती हूँ एंड है मेरे पास, एंड मेरा नाम भी मैं ए गरीब का कुछ पैसे के रिलेटेड रखने वाली थी, ऐसे घर बार पैसा नुस्ता पैसा ऐसा कुछ रखने वाली थी पैसे के रिलेटेड, बट वो किसी और ने रख दिया है, एंड बीच का एक इंसान है जो उस चीज़ में इन्वॉल्व था, तो मेरे को जिसको समझना रहेगा समझ जाएगा, इसके लिए मैंने ए गरीब रख दिया, क्योंकि मेरा नाम अगर मैं रख दूंगी फिर वही कॉपी कॉपी हो जाएगा, तो ए गरीब जैसे मेन जो बंदा है जिसको समझना है वो समझ जाएगा, प्लस एक और पॉइंट ऐसा है कि जो जो मेरा गाना सुन रहे हैं वो सब गरीब है, ए गरीब मतलब पैसा। ओके, मोस्टली इंडियन टॉप 2 रैपर्स लोग का मैं नाम लेता हूँ, तो उसके बारे में आपका क्या रिव्यू आप मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो असल से आया हुआ एक लड़का जो गरीबी से उठा है एमिवे फर्स्ट मेरे लिए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे एमिवे के लिए? एमिवे को तो कोई हेट नहीं है, ना ही कुछ प्रॉब्लम है उससे, वो एक इंसान सही है जो ना ही कमर्शियल में गया है ना ही किसी लेबल के साथ है, प्लस उसने रिकॉर्ड लेबल भी खोल दिया अकेले, सही लगता है उन लोगों को एमिवे। तो लाइक आपने एमिवे के बारे में बताया जैसे कि आप एमिवे को नज़र से देखते हो, तो लाइक डिवाइन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे टोन? तो डिवाइन तो मेरे वाइब को मैच नहीं करता है, तो ना ही कुछ बोलना है ना ही हेट है मतलब, बट कुछ नहीं। आपके जितने भी गाने मैंने सुने या ऑडियंस ने सुने या मुझे बाहर से पब्लिक पर्सनल रिव्यू देते कि डॉन माजी के गाने में इतना गाली क्यों रहता है, वो क्यों इतना गाली देती है डॉन, वो लड़की है उसको शर्म नहीं आता है सब गाली वाली देने के लिए, तो लाइक क्यों गाली देते हैं और गाली देने का रीज़न क्या है डॉन ट्रैक में आपके? आई मीन इसका रीज़न तो कुछ नहीं है, मतलब अब मेरा जो स्लैंग है वो टाइम पे स्टार्टिंग में जब लोग कर रहे थे बच्ची बंटा है ये सब कर रहे थे, तो मेरा ये स्लैंग है, कुछ प्रिटेंड विटेंड तो नहीं कर रही हूँ मैं कि हाँ स्क्रिप्टेड, अब वैसे ही बात करती हूँ नॉर्मली, तो वही है गाने में। एक जन ने क्लब में बजाया था जिसका आदमी वो टैटो था पूरा, क्या नाम था उसका, अपने मैंने रील्स देखा था आपका जो मुमरा का जो डॉन मुमरा का जो सॉन्ग है उस पे एक टैटो वाला जिसका आइस में भी ब्लैक ब्लैक है, हाँ, तो उसने भी आपका डाला था वो क्लब का ही वीडियो, क्लब में वो चिल कर रहा और उसने आपका गाना लाइक प्ले किया है, हाँ, वही सुनने वाले सुनते, तो लाइक ये सब चीज देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइक खुशी मिलती है आपको ये सब चीज देख के, लाइक आपका गाने पब्लिक रिएक्ट कर रहे हैं मजा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मजा आता है कि नहीं मतलब अच्छा लगता है कि नहीं, बस एक रिव्यू देखने मिलता है तो समझ में आता है कि आप पब्लिक को समझ में आ रहा है मेरे गाने के बारे में। आपके फैंस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे और हेटर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? हेटर्स लोग तो अपनी माँ चुदाओ एंड फैन लोग को तो हके,
उन लोग अब तक अगर समझ रहे, जो भी है मेरे फैन पेजेस बनाते या जो भी है, उन लोग ही है मतलब, मतलब उन लोगों ही सपोर्ट, बाकी सब मार। जल्दी से डॉन वाई जी का शोज होने वाला है, बहुत सारा चीज़ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है, वर्किंग प्रोग्रेस में सब सारा चीज़ है, तो वेट करो पब्लिक। डॉन वाई जी आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट्स, बहुत सारा सॉन्ग्स, वो भी अलग अलग वे में, नाइकी फ्लेवर के वे में, राइट डॉन? सब अलग अलग कंटेंट्स वगैरह सब लेके आने वाले आप लोग के लिए, स्पेशली फैंस लोग के लिए, और हेटर लोग, डॉन तो बोल दिया तुम लोग को भी क्या है।